नया पे और उसके शेड्यूल ऑफ चार्जेस। शेड्यूल ऑफ चार्जेस से मतलब ये नया पे की इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फी, कार्ड फी, डिडक्शन कितनी होती है हर ट्रांजेक्शन पे, या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो आप पैसे या फिर निकालते हो, या फिर एज एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नया पे की साइन अप एंड एनुअल फी की। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलती है, मतलब उसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। उसके बाद आता है इनके कार्ड्स आते हैं, जिसमें तीन कार्ड आते हैं। एक होता है वर्चुअली कार्ड, दूसरा होता है वीजा कार्ड और तीसरा होता है पेपा कार्ड। वर्चुअली कार्ड की बात करें तो वर्चुअली कार्ड आपको 600 रुपए में देखने को मिलता है। पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन अब आपको 600 रुपीज पे करने पड़ते हैं, तब आपको वर्चुअल कार्ड आपके मोबाइल ऐप में ही आपको इनेबल कर दिया जाता है। उसके बाद बात करें वीजा कार्ड की, वीजा कार्ड आपको 795 रुपीज इंक्लूडिंग डिलीवरी, ठीक है, जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ऑलमोस्ट जो है वो 800 रुपए का आपको वीजा कार्ड मिल जाता है। जबकि बात करें हम पेपा कार्ड की, वो 1808 रुपए की आपको देखने को मिलता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अगर वीजा कार्ड हमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में, लोकल ट्रांजेक्शन में हर जगह पे अगर हमारा वो कार्ड चल रहा है, तो वाई वी परचेज पेपा कार्ड? अगर आपके पास कोई ऐसी रीजन है तो मुझे बताएं, तो मुझे भी पता चले कि पेपा कार्ड एक तो जो है वो डबल है वीजा कार्ड के, जो वीजा कार्ड की बात करें तो वो के हाफ में आता है, उसका फंक्शन जो है पेपा के कार्ड से है वो ज्यादा है। तो भाई मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि वीजा कार्ड इज मोस्टली प्रेफर देन पेपा। अगर इसको लगता है यार कि पेपा कार्ड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, ठीक है, इंटरनेशनली, तो मुझे बताएं ताकि मुझे भी आइडिया हो कि वाकई पेपा कार्ड जो है वो इंटरनेशनल काम कर रहा है। उसके बाद ट्रांजेक्शन की बात करें तो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री है। लाइक मेरे पास नया पे और आपके पास भी नया पे, अगर मैं आपको फंड ट्रांसफर करता हूं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप किसी भी अपने बैंक अकाउंट से नया पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात करें जो कि आपके कार्ड के थ्रू होगा, उसकी फी 0.25% आपको नया पे चार्ज करेगा। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल पे के। अगर आप नया पे के एटीएम से, मतलब नया पे का खुद का तो एटीएम है नहीं, यूबीएल के बैंक से आप 5 ट्रांजेक्शन मतलब के फ्री कर सकते हो, मतलब एटीएम से फिजिकल कार्ड से पैसे निकाल सकते हो 5 ट्रांजेक्शन ईच मंथ, ठीक है। उसके अलावा जब आप किसी और बैंक से अगर आप पैसे निकालते हो तो वहां पे ऑल बैंक एटीएम थ्रू डेबिट कार्ड जो है आपको 35 रुपीज चार्ज किया जाएगा। अगर आप वेरिफिकेशन करते हो अपने वॉलेट की थ्रू मेजान बैंक, तो 50 रुपए आपसे ट्रांजेक्शन के लिए काटे जाएंगे, मतलब कि आपके वॉलेट के अंदर जो 50 रुपए होंगे वो आपसे कट कर लिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या नया पे जो है वो इंटरनेशनल काम करता है या फिर नहीं। बिल्कुल करता है, क्योंकि ये वीजा कार्ड है, 180 प्लस कंट्रीज में भी काम करती है। अगर कुछ ऊपर नीचे है तो मुझे बता दीजिएगा, हर जगह पे ऑलमोस्ट काम करता है, क्योंकि वीजा का टैग है, मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड जो है वो ओवर द ग्लोब जो है वो काम करता है। तो ईच ट्रांजेक्शन पे कितने पैसे नया पे काटेगा, तो 200 रुपीज जो है वो नया पे आपसे इस ट्रांजैक्शन पे इंटरनेशनली काटेगा, ना कि पाकिस्तान में। मैं लोकली बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूं। अगर आप ये कार्ड लेकर जाते हो यूके में, तो वहां पे अगर आप पैसे निकालते हो या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, एटीएम की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, वहां से पैसे निकलेंगे, 200 रुपीज जो है वो आपके साथ में ईच ट्रांजैक्शन जो कि एटीएम से आप पैसे निकालोगे वो कट जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि यार यूरोज में या फिर डॉलर्स में अगर आप पैसे निकालते हो, 200 रुपए का अगर कन्वर्ट कर लो, 1. समथिंग डॉलर्स बनते हैं, वो ज्यादा होंगे। अदर्स में भी काफी ज्यादा इसमें चीजें आ गई, जिसमें अकाउंट रेमिटेंस फी जो होती है वो 1100 रुपए है। उसके बाद VROL है, जो कि $2 आपका ईच ट्रांजेक्शन करते हैं। इनिशिएटिव फंड है, वो बिल्कुल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है आपको। अकाउंट अनलॉक थ्रू बायोमेट्रिक। अगर वॉलेट अपग्रेड की बात करें तो वॉलेट अपग्रेडेशन में आपको 60 रुपए चार्ज किए जाएंगे। हालांकि पहले तो बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये है जुलाई 2024 से दिसंबर तक ये 60 रुपए आपसे चार्ज करेंगे। मे भी आगे चल के ऊपर नीचे कुछ हो जाए, लेकिन अभी के लिए ये 60 रुपए आपसे चार्ज करेंगे हर बायोमेट्रिक पे। अगर आपने बायोमेट्रिक करना है तो आप अपने अकाउंट में जाओगे, वहां पे आपको अपने फिंगर्स जो है वो इस तरह से मोबाइल के सामने रखने पड़ेंगे, और तब आपकी ट्रांजेक्शन वो जो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, वो 60 रुपीज आपसे वेरिफिकेशन के अपग्रेडेशन अकाउंट के वो चार्ज किए जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी है थ्रू एटीएम, ठीक है, पहले तो रिकमेंडेशन ये है कि ना करो। अगर करनी है तो अगर लोकल एटीएम में, पाकिस्तान में किसी भी एटीएम में जाते हो, वहां पे आपसे 4 रुपए चार्ज किए जाएंगे यूबीएल बैंक को छोड़ के, ठीक है। उसके अलावा मे बी यूबीएल वाले भी काटते हो, लेकिन 5 ट्रांजेक्शन
ट्रांजेक्शन क्योंकि फ्री है तो मोस्टली चांसेस ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो, लेकिन अगर अदर बैंक से आप चेक करोगे एटीएम के थ्रू ₹4 आपसे चार्ज किए जाएंगे। अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में आपसे ₹150 चार्ज किए जाएंगे पीकेआर में कि आपने अपने अकाउंट का बैलेंस चेक किया। अगर आपके पास वॉलेट पड़ा हुआ है तो आप इजिली वॉलेट से चेक कर सकते हो, एटीएम में जाके घुसाने की कार्ड जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही आपको पैसे कटवाने की जरूरत पेश आएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। के बाद जो वीडियो मेरी आने वाली है वो हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो लाइव परफॉर्म करेंगे, आपके सामने करूंगा ताकि पता चल जाए कि कितनी परसेंट फी जो है वो नया पे जो है वो हमारे अकाउंट से डिटेक्ट करता है। तो ये थी आज हमारी वीडियो, उम्मीद है कि बहुत सी चीज इसमें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ रह गया तो बताइएगा, मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।